नमस्कार मित्रों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं राजेश कुमार भजिक ग्राम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही होगी और गाना भी निकल रहा होगा। बहुत लोगों का कॉल आया है, बहुत लोगों ने कॉल किया है कि सर गाना निकलना अब शुरू हुआ है, और बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा है कि सर अभी कोशिश कर रहा हूं लेकिन उम्मीद है कि निकल जाएगा। तो दोस्तों आप सब, हम सब मिलकर इसी तरह कोशिश करते रहें और हारमोनियम या गाना निकालने हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे निकालते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी साज हो, गाना निकालने की विधि वही होती है। तो आप दोस्तों गाना निकालते रहें, गाते रहें और गुनगुनाते रहें और गाने को निकालते रहें दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हैं। कुछ लोगों का और कहना था कि सर थोड़ा फिंगर के बारे में बताया जाए, और कुछ ताल के बारे में भी आया है। तो नेक्स्ट या एक दो वीडियो के मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ताल के बारे में बताऊंगा, जिसे सब लोग दोस्तों जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। ताल बहुत जरूरी होती है। और दोस्तों एक वीडियो मेरी और आने वाली है, जिसमें मैं अभी से बता रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको अपने सामने मोबाइल रख कर सामने में गाना बजा कर मोबाइल से गाना बजाऊंगा और आपके सामने लाइव दिखाऊंगा निकालकर कि कितनी आसानी से निकलती है। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, जरूर सभी लोग देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों आज चलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में? फिंगर फास्ट। फिंगर को थोड़ा कैसे उड़ाए, है ना? सीधा 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 तो सब करते हैं, सारे गांव पधनी अलंकार वगैरह बहुत हमने भी बताया और आप लोग भी पहले से करते हैं, आज थोड़ा अलग करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। और दोस्तों मेरी वीडियो को स्किप किए भी नहीं देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये जो मेरी भाषण है ना, मेरी भाषण जो बातें हैं उसको जरूर सुनिएगा, ये बड़े काम की चीज है, इसके बिना प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है दोस्तों। इसको जितना अच्छा आप समझेंगे उतना अच्छा आप करेंगे। और इतना क्यों बोला जाता है, आपने कभी केयर किया है? लेक्चर होता है, लेक्चर क्या कहते हैं उसको, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही मेरी बात यहां आपको फिट हो गई आपके माइंड में तो प्रैक्टिकल तुरंत हो जाएगा। और सिर्फ सारे गवा पधा निशा सा नहीं धवा, मगर ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, पहले समझना है। एक संगीत में दोस्तों कहावत है, पहले सुनना, यानी सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, पहले सुनना उसके बाद कहते हैं लोगों ने कहा है गुनना। गुनना का मतलब क्या हुआ, उसके गुणों को, उसको कैसे करें उसको समझिए, और तब धुनना। धुनना का मतलब तब आप बजाइए, पहले सुनना उस चीज को, फिर गुनना और तब धुनना, यानी सुनिए फिर उसके गुण को समझिए, उसके बारे में समझिए और तब धुनना, तब बजाइए। तो हमेशा दोस्तों ऐसे ही कीजिए। तो आइए चलते हैं, फिंगर के बारे में आपको बताते हैं। तो क्या कर रहे हैं इसको समझिए, बहुत आसान सा काम। पांच पांच स्वर को ले लीजिए, सिर्फ पांच स्वर को, प से शुरू कीजिए, यहां से नहीं, पहली गाली से नहीं शुरू कीजिए, चेंज कीजिए, बदलिए, जो प्रोफेशनलिज्म है उसको पकड़िए। हमेशा सारे गा मा पा धा नि सा पकड़ लिए, उससे बहुत कुछ नहीं होने जा रहा है, ये तो बेसिक है ही। बेसिक से के अलावा और भी तरीका होता है ना, बेसिक तो ये है। तो क्या गाना आप यहीं से बजाते हैं हमेशा? कोई भी गाना यहां से होता है? रेयर कोई होता है, नहीं तो सब गाना इधर से इधर से इधर से होता है, या यहाँ 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 से होता है। अगर आपके समझ में पहली काली ज्यादा आती है तो ये यहां से ज्यादा होता है ना? तो इस चीज को समझिए, ये फंडा क्या है इसको समझिए, सिर्फ ऐसे पकड़ के मत बैठिए, मैं जो बताता हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए फिंगर को कैसे चलाना है। आप क्या करते हैं, ये बजाना है, क्या बजाना है, प ध नि सा रे सा नि ध प, ठीक है? तो आप कहेंगे सर मैं तो ये बजाता हूं, लेकिन बजाना कैसे उसको समझिए। हमको पता है आप बजाते होंगे, बहुत सारे लोग बजाते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी बजाते होंगे, लेकिन बजाना कैसे इसको समझिए। आप
बजाते हैं 1 2 3 4 5 प ध नि सा रे सा नि ध प, जहां से गए वापस वहीं आ गए। पहले मैं सिंपल बजाकर दिखाता हूं, देखिए, ठीक है। फिर म से, फिर ग, फिर म से एक बार फिर मैं दिखाता हूं, फिर से एक बार आइए। फिर म से फिंगर जो मैं रख रहा हूं बस वैसे ही रखना है, फिंगर बदलना नहीं है, फिंगर का ही तो सारा खेल है, सारा खेल फिंगर का ही है। अगर फिंगर सिस्टम में है तो आपकी फिंगर फास्ट चलेगी, सिस्टम में नहीं है किसी जीवन में नहीं चलेगी, ठीक है। जो मैं रख रहा हूं वही रखिएगा। है ना, प से प ध नि सा रे सा नि ध प, म से म प ध नि सा नि ध प म, है ना, म प ध नि। देखिए फिंगर देखते जाइएगा, ये नहीं रखिएगा ऐसे, सा नि ध प म, ग म प ध, यहाँ थम रखना है आपको, ग म प ध नि ध प म ग, ग म प ध नि ध प म ग। फिर रे से, रे ग म प ध प म ग रे, रे ग म प ध प म ग रे। फिर सारे ग म, सारे ग म प म ग रे सा। अब इसको बजाना कैसे देखिए, इसको पहले एडजस्ट कर लीजिएगा धीरे धीरे, फिर कीजिए क्या, पहले एक पे ही बजाइए, इसी को बार बार बहुत बार कीजिए, बहुत बार कीजिए, जब लगे कि आइए आने लगा है तब थोड़ा बदलिएगा। पहले यहां पर आपको ले आना है, ये बज रहा है वही, क्या था है वही है, लेकिन देखिए फ्लेवर बदल गया। उसी तरह म से, उसी तरह ग से, देखिए ये ऐसा नहीं कर लगाइएगा कभी नहीं, ये थम को यहां ले जाना है, देखिए, है ना। फिर उसके बाद रे से, फिर सा से, इस तरह से। अब अगर कंटिन्यू बजाएंगे इसी चीज को आपको क्या हो जाएगा, आपको इस तरह से करना है प्रैक्टिस। देखिए आपकी फिंगर एकदम फड़फड़ाने लगेगी और काफी अच्छा चलने लगेगा, ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों हारमोनियम बजाने में इस तरह की फिंगरिंग। तो इस फिंगरिंग की दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में आइए, कमेंट्स कीजिए दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं एक बार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपनों को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक बार, नमस्कार।